गाइस यहाँ पे हमारे दो सबसे काबिल सुपर हीरो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और इनकी दुश्मनी बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है। ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। और गाइस इतनी खतरनाक दुश्मनी कैसे हुई ये तो आपको वीडियो में आगे ही देखने को मिलेगा, तो गाइस देखते रहिए। दो दिन पहले तो गाइस ये है सुपरमैन, आपका और हमारा सबका फेवरेट। और गाइज ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आप लोगों को पता ही होगा यार कि सुपरमैन से टकराना किसी की बस की बात नहीं, इसी बात का ये फायदा उठाता है और ये गाइज जो मनमाता है वो करता है। ये गवर्नमेंट के रूल्स या पुलिस की बात बिल्कुल नहीं मानता है, ये उन सब के खिलाफ जाके गुनहगारों को खुद ही सजा देता है और उन सबको मार देता है। जिस बात से यहाँ की गवर्नमेंट इससे बहुत ज्यादा परेशान है, वो इससे बहुत ज्यादा नफरत करती है, सुपरमैन यहाँ की सरकार बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग उससे प्यार भी करते हैं, इसके फैंस भी हैं और गाइज इसका पूरा साथ देते हैं, इसको अच्छा मानते हैं। उन्हीं लोगों का फायदा उठाते हुए गाइज ये अपनी मनमर्जी चलाता है, जो मन में आता है वही करता है। और इसी बात से परेशान होकर यहाँ की गवर्नमेंट ने एक मीटिंग रखी है, सारे देश के प्रेसिडेंट को बुलाया है यहाँ पर मीटिंग के लिए और यहाँ पे आए हैं हमारे प्रेसिडेंट। लेकिन गाइज इनकी जान को खतरा है क्योंकि एक गुंडा करना चाहता है हमला इनके ऊपर। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने बैटमैन को कर दिए और बैटमैन आता ही होगा, मैं यहाँ पे आया हूँ इनको बचाने के लिए। यहाँ पे कौन है वो गुंडा जो इनको मारना चाहता है प्रेसिडेंट लोगों को? आज इनकी बहुत बड़ी मीटिंग है। पहली बात तो सुपरमैन को मैं भी पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि सुपरमैन अपनी मर्जी चलाता है, ये बात मुझे भी पसंद नहीं बिल्कुल। ए बेटे हम ही हैं यहाँ पे, मैं एक छोड़ने नहीं वाला, बैटमैन चले जा वरना तू भी गया। तू मुझे धमकाएगा, तेरी इतनी हिम्मत? चलो मैं इसे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सब गुंडों को हराने के बाद इस वाले गुंडे को पुलिस के हवाले कर दूंगा ताकि इसकी सजा गवर्नमेंट से खुद ब खुद देगी। कहाँ भागता है? रुक जा, कहाँ है तेरा बॉस? मैं इधर हूँ बेटे, मैं तेरे हाथ नहीं आने वाला, मैं जा रहा हूँ। तू मेरे हाथ कैसे नहीं आने वाला? मैं नहीं आने वाला, मैं भागता हूँ फटाफट यहाँ से, लौट के जरूर आऊँगा। लौट के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुझे भी पकड़ता हूँ, मैं तुझे जल्दी पकड़ के यहाँ के पुलिस के हवाले तुझे कर दूंगा, तुझे सजा वो ही देंगे। तू मुझे मारेगा नहीं सुपरमैन की तरह, सुपरमैन सबको मार देता है। मैं सुपरमैन की तरह नहीं, मैं पुलिस के हवाले कर देता हूँ सारे गुंडों को कि वो ही उसे खुद को सजा देगी। तुम्हें मारना मेरा काम नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें पकड़ूंगा क्योंकि वो सारे गुंडों को खुद को सजा देता है, जो कि गलत है एकदम। मैं उसके खिलाफ हूँ पर मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि वो भी एक सुपर हीरो है, उनने भी दुनिया को बचाया है। बहुत बढ़िया बैटमैन, तुमने हमारी जान बचा ली, यहाँ पर सारे देश के प्रेसिडेंट आए थे, वो मीटिंग तुमने बचा ली। हाँ सर आप ठीक कह रहे हो, पर सर एक बात ध्यान रखना, सर अगर कोई गुंडे का हमला करे मुझे बुलाना, सुपरमैन को बिल्कुल मत बुलाना क्योंकि वो यहाँ पर आके तबाही मचा सकता है बहुत बुरी तरह, उसमें आपकी भी जानों का खतरा हो सकता है। हाँ हम भी सुपरमैन को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो गाइज ये है हमारी कहानी का लेक्स लूथर। गाइज ये सुपरमैन का बहुत बड़ा दुश्मन है क्योंकि एक बार सुपरमैन ने इसके भाई को जान से मार दिया था, जो कि था बहुत बड़ा गैंगस्टर। हाँ गाइज इस बात से बहुत नाराज है और सुपरमैन को मारना चाहता है, उसको मारने के लिए प्लान बनाता है, हर टाइम प्लान बनाता रहता है कि सुपरमैन को कैसे मार सकता है। लेकिन मामूली इंसान है तो इन्हें बहुत अच्छा तरीका सोचा है कि सुपरमैन की मॉम को किडनैप करके कोई प्लान बनाता हूँ। तो गाइज ये आया है दो लोगों के पास जिन्हें पता है कि सुपरमैन असल में कौन है और वो कहाँ रहता है। बताओ मुझे वो कहाँ रहता है वरना मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। मैं बताता तुम दोनों मेरे किसी काम के नहीं, मुझे पता चल चुका है कि वो कहाँ रहता है। इन दोनों की बॉडी ठिकाने लगा दो, मैं जा रहा हूँ बैटमैन से बात करने, मुझे उससे बात करनी है। हाँ भाई बता दे मुझे क्यों बुलाया तूने? मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मुझे मारना सुपरमैन को, मुझे पता तुम भी उसे पसंद नहीं करते, क्या तुम मेरे साथ मिलकर उसे मारोगे? नहीं भाई मैं नहीं मारूंगा उसे। और तूने कोई प्लान बनाया पक्का? मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, क्या मेरा साथ दोगे? मैं तेरा साथ नहीं दूंगा उसे मारने में, मैं अच्छा इंसान हूँ और मैं किसी की जान नहीं लेता ऐसे। मेरा साथ दे दो बैटमैन, मत जाओ मुझे छोड़ के। बाय बाय मैं जा रहा हूँ। तो गाइस मैं हूँ बैटमैन, मेरा असली नाम है ब्रूस पेन और यहाँ पे मैं आया हूँ लेक्स लूथर के घर पे पता करने के लिए कि गाइस उसके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। मैं इस समय कमीर आदमी बन के उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया हूँ, ये मैंने कहा है, पर मुझे गाइस तहकीकात करनी है कि गाइस वो सुपरमैन के साथ क्या करना चाहता है, कहीं गाइस वो कोई बड़ा प्लान तो नहीं कर रहा जिससे बहुत सारे लोगों की जान खतरे में हो। यहाँ पर मैं उसके घर पर तो पहुँच चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ अच्छा तो घूम घूम के और सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ। अरे मैं यहाँ पर इन्वेस्टर हूँ, मैं हूँ ब्रूस वेन, मैं लेक्स लूथर को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो? मालिक ऊपर है। ठीक है तो गाइज मैं ऊपर जाके देखता हूँ। यहाँ पे गाइज एक किताब रखी है, एक सेकंड, इस किताब पे क्या लिखा है गाइज? इसके अंदर बहुत सारे कोड लिखे पड़े, ये किस चीज़ की लोकेशन है? कोई क्रिप्टो नाम का वो हथियार जो सुपरमैन को मार सकता है। वाओ मुझे गाइज पता चल गया है कि ये क्या प्लानिंग कर रहा है, इनने गाइज एक हथियार ढूंढा है जो कि सुपरमैन को मार सकता है, क्रिप्टोनियम नाम का, जो कि उसके ग्रह से आया था उसके साथ।
वो गाइस उसने इसे ढूंढ लिया है और वो इसे मारने वाला है। मुझे जाकर पहले क्रिप्टोनियम लेना पड़ेगा, मैं जाकर उसे इससे पहले ले लेता हूँ ताकि ये सुपरमैन को ना मार सके। मैं अब पहुंच चुका हूँ, मैंने अपने हाथों पहन लिए दस्ताने बिजली वाले ताकि मुझ पर कोई हमला करे तो मैं उसे रोक सकूँ। यहाँ पे कहाँ गई वो लैब, मुझे गाइस ढूंढना पड़ेगा वो हथियार। तो बड़ी देर से ढूंढने के बाद ये कहाँ गया, शायद से यही कहीं आसपास होगा। मैंने ढूंढ लिया ये हथियार क्रिप्टोनियम से बना हुआ, इससे इस पास सुपरमैन मर सकता है आराम से। मैं इसे अपने साथ लेके चलता हूँ इससे पहले लेक्स लूथर आ जाए और वो कोई ना कोई कदम उठाए। लेक्स लूथर को मैं रोक के ही रहूँगा क्योंकि गाइस, और हाँ आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और गाइस कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है। मेरा तो फेवरेट सुपर हीरो बैटमैन ही है क्योंकि वो मैं ही हूँ। चलो ये हथियार लेके चलता हूँ मैं यहाँ से अब, और लेक्स लूथर के आने से पहले इधर से निकल जाता हूँ ताकि वो यहाँ मुझे ना पकड़ सके। मेरा किसने हथियार चुरा लिया, तुम दोनों, मेरे दिमाग में एक नया प्लान है। तुम दोनों जाओगे सुपरमैन पे केस करोगे और उसके बाद हम सुपरमैन पे कोई केस नहीं करेंगे। तुम करोगे क्योंकि तेरे बेटे की टांगे उसके चक्कर में ही टूटी हैं। तू सुपरमैन पे केस करेगा और उसके बाद सुपरमैन कोर्ट में आएगा, फिर बस सुपरमैन जेल में जाएगा। पर सुपरमैन को जेल में कोई नहीं भेजेगा, वो बहुत ताकतवर है, वो जेल क्यों जाएगा। बस जितना बोल रहा उतना कर, बाकी आगे का प्लान मैं सोच लूंगा। तुम दोनों जाओगे वरना गोली छल्ली कर दूंगा तुम लोग घर में घुस के। जाओ केस करो सुपरमैन पे। मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरे ऊपर दो लोगों ने केस कर दिया है, मुझे कोर्ट में सुनवाई करनी है। तुम दोनों ने केस किया है गाइस, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आसपास कोई बम है क्योंकि मैं उसकी उसको फील कर सकता हूँ, पर आसपास मुझे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। मेरे ऊपर किसने केस किया है, मैं हूँ जज यहाँ का, तुम्हारे ऊपर केस किया है इन दो लोगों ने, और तुम क्या आरोप है कि तुमने इनकी बेटे की टांगें तोड़ी हैं बेफालतू में। भाई मैंने नहीं तोड़ी है यार, मैं जा रहा था और पुलिस का बेटा उसे टकरा गया और नीचे गिर गया, उसे उसकी टांगें टूट गई। ये बम कैसे हैं, ये क्या हो गया यहाँ पर, लोग ये लोग कैसे मर रहे हैं, ये सब लोग साथ क्या हुआ इन लोगों के साथ। मैं हूँ ये मेरा प्लान था कि जब वो कोर्ट आएगा मैं कोर्ट में धमाका कर दूंगा, इससे सारा का सारा इल्ज़ाम सुपरमैन पे लग जाएगा कि सुपरमैन ने ही कोर्ट में धमाका किया है और उनने ही सब लोगों को मारा है। वहाँ पे उन लोगों ने कोर्ट में धमाका कर दिया और मैं जा रहा हूँ अपने घर पे वापस अपनी मम्मी के पास यार, और मैं अपनी पावर यूज़ नहीं करूँगा आज के साथ कभी, क्योंकि मेरी वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ती है। मैं अपनी पावर्स बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर कहाँ है मेरा घर, मेरे घर पर ताला क्यों लगा है, अरे क्या हो रहा है, आगे जाके देखता हूँ, पहले अपनी बाइक खड़ी कर दूँ उसके बाद घर के अंदर जाके देखता हूँ। यहाँ पे ये नोट कैसे चिपका हुआ है, एक सेकंड देखता हूँ, क्या वो मेरी माम को किडनैप करके ले जा चुका है यार, उनने ऐसा कर दिया, और मुझे अपनी अगर माम को बचाना है तो मुझे मारना पड़ेगा लेक्स लूथर को। मैं पहुँच गया, लेक्स लूथर कहाँ है तू, बारा मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, उनने मेरी माम को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। लेक्स लूथर तू तो गया, कहाँ गया लेक्स लूथर, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मेरी माम को छोड़ दे। मैं तेरी मॉम को नहीं छोड़ूंगा, अगर तुझे अपनी मॉम को बचाना है तो तुझे बैटमैन को मारना पड़ेगा। मैं उसे क्यों मारूं, वो अच्छा इंसान है। तो अब तू अपनी मॉम को मरा देखना चाहता है, नहीं मत मारो इन्हें प्लीज़। अगर मैं इन्हें नहीं मारूंगा, जाके बैटमैन को मारो और उसकी लाश को मेरे पास लेके आओ, मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ दूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले अपनी मॉम को बचा ले जा, बैटमैन को मार। मुझे लगता है मुझे बैटमैन को मारना ही पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ बैटमैन के पास उससे बात करने के लिए यार, मैं उसे लड़ना नहीं चाहता, वो अच्छा इंसान है, मैं उसे मारना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे गाइस अभी सुपरमैन का फ़ोन आया था कि वो मुझे बुला रहा है कहीं पर लड़ने के लिए, पर वो मेरे साथ लड़ना क्यों चाहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं चलो सूट तो पहन के चलता हूँ उसके पास क्योंकि गाइस मुझे पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, क्या पता मुझ पर हमला कर दे और मुझे मारने की कोशिश करे, मुझे उससे बच के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैं हार नहीं सकता। अगर सुपरमैन जीत जाता है तो गाइस मैं मर जाऊंगा, इसका मतलब चलो मैं यहाँ चलता हूँ अपना सूट वूट पहन के, सब हथियार वथियार लेके, और सुपरमैन को हराने के लिए क्रिप्टोनियम भी का हथियार भी ले लेता हूँ। मैं आ गया, कहाँ है तू बैटमैन, बैटमैन सुन, मेरी मॉम को उसने किडनैप कर लिया है और मुझे अपनी मॉम को बचाने के लिए तुझे मारना पड़ेगा। तू मुझे मारेगा, तू मुझे मारेगा, नहीं मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ, पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक सेकंड, वैसे तू भी बहुत बुरा इंसान है, तू कानून को क्यों नहीं मानता है, क्या क्या कह रहा है तू, ये ले हट सुपरमैन, तू नहीं बच पाएगा मुझसे, प्लीज लड़ मत मुझसे, सुन मेरी बात बैटमैन, वही मॉम को मार देगा यार, हमें उन्हें बचाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे तुझे मारना है उसने कहा है, पर मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं मारना चाहता है, मैं तो तुझे बहुत शौक से मारना चाहता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा तू ही है, तुझसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है मेरा। क्या मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, देख मैं तुझे मारने के लिए क्रिप्टोनियम का हथियार लेके आया हूँ, अब तुम्हें नहीं बच पाएगा। ये तुम्हें कहाँ से मिला, ये तो मेरे लग गया,
देखा, मैंने इसे हरा दिया है। अब सुपरमैन इस दुनिया से मुक्त हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब सुपरमैन किसी को नहीं मार पाएगा, वो और कानून नहीं तोड़ पाएगा। अरे यार, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इन लोग को पता नहीं कि सब लेक्स लूथर की प्लानिंग थी। अरे बैटमैन रुको, उसे और मत मारना, बैटमैन मर जाएगा। प्लीज बैटमैन सुनो। हाँ बताओ, क्या कह रही हो? अरे बैटमैन यार, ये सब लेक्स लूथर की प्लानिंग थी, तुम्हें नहीं पता? ये सब लेक्स लूथर तुमसे करवाया है। वो यही चाहता तुम एक दूसरे को मार दो और बाद में वो इस पूरी सिटी पे कब्जा कर ले और वो अपनी भाई की मौत का बदला इसे ले ले। मैं आ गया यहाँ पे और तुम दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। अरे बेटे, सुपरमैन तो मर गया, अब मैं लेके आता हूँ अपना वाला सूट, जो आर्मर में बनवा के लेके आया हूँ बैटमैन और वंडर वुमन तुझे हराने के लिए। ये रहा मेरा आर्मर और मुझसे कोई जीत नहीं पाएगा। बैटमैन यार, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सुपरमैन को मार दिया। मुझे सुपरमैन ही हरा सकता था, पर अब सुपरमैन तो मर गया, अब मुझे कौन हराएगा? बैटमैन को तो मैं यूं ठिकाने लगा दूंगा। गाइस, मैंने गलती कर दी सुपरमैन को मार के, लेकिन मैं सुपरमैन को पूरी तरह नहीं मारता, वो उसके दिल के थोड़ी सी दूर लगा था क्रिप्टोनियम वाला हथियार। सुपरमैन से जिंदा है अभी भी और मुझे उसे उठाना पड़ेगा बहुत जल्द। मैं नहीं उठाने दूंगा सुपरमैन को तुझे, ये ले। गाइस, मैंने सुपरमैन को उठाने की बहुत कोशिश की, पर गाइस सुपरमैन में मैंने आग भी लगा दी सोच के कि वो आग की गर्मी से उठ जाएगा, पर वो नहीं उठ रहा है। कुछ सुपरमैन, कुछ ना कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें हमें बचाना है। अब कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने। अब मैं आ गया, तू मैंने इन लोग को मार रहा है, अब मैं समझ गया सब प्लानिंग देती है, तू मेरे सामने आ चुका है और मैं अपनी मॉम को भी बचा लूँगा तुझे हराने के बाद। ये ले, अब तू मुझसे नहीं बच पाएगा, हट यहाँ से लेक्स लूथर, तू गया मेरे हाथ से। लेक्स लूथर मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि तू इसके इसी लायक है, तू इसी लायक है लेक्स लूथर। गाइस, मैं इस लेक्स लूथर को छोड़ने नहीं वाला, ये लेक्स लूथर गया मेरे हाथ से, मेरे अपनी मॉम को बचा लिया है। तो बैटमैन सॉरी यार, मैं तुम्हें हमला किया। मेरी तरफ से सॉरी सुपरमैन, मैं तुम्हें हमला किया, तो मैं जीत गया।